सब्सक्राइब करें जी टेस्टी फूड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी सेठी अपने चैनल इजी टेस्टी फूड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेदू बड़ा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से झटपट से ही तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं मेदू बड़ा। मेदू बड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी दही, सेम वैसे ही कटोरी, एक कटोरी पानी और वैसे ही कटोरी से एक कटोरी चावल का आटा। तीनों चीज बराबर बराबर, पानी, चावल का आटा और दही। थोड़ी सी हरा धनिया की पत्तियां मैंने काट ली हैं, थोड़ी हरी मिर्च काट ली है, थोड़ा सा अदरक काट लिया है बारीक, एक छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, थोड़ी सी मोटी मोटी लाल मिर्च पीस कर ली है, एक चम्मच सूखा धनिया छोटा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा गरम मसाला और अजवाइन, हींग और जीरे को मैंने थोड़ा थोड़ा सभी को लिया है। तो चलिए हम बनाते हैं मेदू बड़ा। सबसे पहले हम चावल के आटे को कढ़ाई में डाल देंगे जिसमें भी हमें बनाना है, और फिर उतना ही पानी हम डाल देंगे और दही भी हम डाल देंगे। अब इन तीनों चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से कि दही में भी लम्स ना रहे हैं, चावल के आटे में भी पानी और तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए हमने अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है। अब हम हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे और ये जो हमने मसाले लिए हैं सभी, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, जीरा, अजवाइन और हींग, इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट तक हम इसे फेंटेंगे। हमने सभी मसाले, अदरक और हरी मिर्च, हरा धनिया मिला दिया है। अब हम इसको ऐसे ही बिना ऑयल के गैस पर रख के, जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक तो हम गैस को तेज रखेंगे। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो मंदी आंच कर इसको हम ऐसे ही करछी मारते हुए अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा आटे की तरह डोना तैयार हो जाए। और करछी को अच्छे से ऐसे ही करते रहना है, छोड़कर नहीं जाना है, वरना चावल का आटा नीचे लग जाएगा। अच्छे से चलाते रहें और गैस कम कर दें कढ़ाई गर्म होते ही, जब तक ये हो रहा है। देखिए यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना, मंदी आंच करते हुए अच्छे से कड़छी को नीचे से कढ़ाई के तले से मारते रहना है, नहीं तो चावल का आटा लग जाएगा। और ये देखिए हमारा डो तैयार होने वाला है, ये देखिए। तो जैसे ही लगे कि हमारा डो तैयार होने वाला है, जैसे कि आटे की तरह से, ये देखिए, तो फिर हम इसे गैस बंद कर पंखे में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा डो अच्छे से बन गया है और पंखे में ठंडा भी हो गया है। और अब हम अपनी कलाई पर रिफाइंड ऑयल लगाकर दोनों कलाई पे, और इसको ऐसे रखकर और ऐसे हल्के हाथ से ऐसे बनाते जाएंगे। देखिए हल्की सी रिफाइंड की बूंद लगा के इसे पलट के, आप चाहें तो पूरा बड़ा साइज भी कर सकते हैं। देखिए एक और इस तरीके से सुराख, बड़ा छोटा जैसे भी आपको करना है कर सकते हैं। और जैसे ही चिपकने लगे आप ऐसी हल्की सी रिफाइंड की बूंद लगाएं, सुराख करें और हल्के हाथ से रख दें। ऐसे ही मैं सभी को कर लूंगी। देखिए इस तरीके से हमने कुछ छोटे कुछ बड़े बड़े बना लिए हैं, और इन्हें अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे तो यह सेट हो जाएंगे, आराम से बनेंगे।
और अब जल्दी है तो आराम से इसको ऐसे ही बना ले सकते हैं। इसके लिए तेल को ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है। पहले हम एक डालकर देख लेंगे और हल्के गर्म में ही इसे डालते जाएंगे, क्योंकि तेज गर्म में ये एकदम से ही जलने लग जाएंगे। मीडियम गैस, मीडियम गर्म में ही डाल देंगे सब, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे ही सभी डाल देंगे। ये देखिए हमने सभी बड़े डाल दिए हैं और हमने ज़्यादा तेज तेल में इनको नहीं डाला था, नॉर्मल गर्म में ही डाला था, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और ये 2 से 2.5 मिनट में ये हल्के क्रिस्पी होने लगे हैं। अब हमें हल्की सी गैस को तेज कर या कम से मीडियम कर, क्योंकि ज़्यादा तेज में ये एकदम से जल जाएंगे, मीडियम कर 1 मिनट इसे और कर निकालेंगे और चम्मच से ही पलटेंगे इन्हें। पोनी से ये टूटने लग जाएंगे या फिर वो बहुत छोटे साइज की पोनी हो, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। देखिए 3 से 4 मिनट में ये हो गए हैं। अब चम्मच हटाकर छोटी पोनी से हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितने कुरकुरे बने हैं, सभी को हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे मेदू बड़े तैयार हैं खाने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।